इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। महात्मा हंसराज कॉलेज की छात्रा खुशी की मौत पर अब कई लोग नकारात्मक बातों को उजागर करके विद्यालय प्रबंधन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बीते रोज ही बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर्स ने ज्ञापन देते हुए खुशी की मां को सौतेली होना बताया, साथ ही बिना जाने समझे यह भी आरोप लगा दिया कि खुशी अपनी मां से परेशान थी। इसी बात को गहराई से जानने के लिए न्यूज बी के टीम खुशी के घर पहुंच गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज के समय में पैसे वाले और रसूखदारों ने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है। नए और आधुनिक विद्यालयों में सुविधाओं के नाम पर मोटी फीस की रकम वसूल कर बच्चों को भाषा का ज्ञान तो दे दिया जाता है, लेकिन व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान यह स्कूल नहीं दे पाते। नतीजतन ज्यादातर बच्चे अपने पढ़ाई की उम्र में ही गलत दिशा को चुन लेते हैं। कभी कभी स्कूल में भी शिक्षकों व शिक्षिकाओं द्वारा भी बच्चों को इस तरह प्रताड़ित किया जाता है कि वह गलत रास्ता चुनने को मजबूर हो जाते हैं। बीती 22 फरवरी को भी एक ऐसा ही काला दिन था, जब झांसी में रहने वाली कक्षा 12 की छात्रा खुशी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद खुशी के पिता ने विद्यालय पहुंचकर हंगामा किया और विद्यालय प्रशासन को खुशी की मौत का जिम्मेदार बताया। इसके बाद कई समाजसेवी भी विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और खुशी के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। 2-3 दिन तक तो खूब प्रदर्शन हुए, लेकिन जैसे ही मामला शांत हुआ विद्यालय का समर्थन करने वालों ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। जैसे ही लोगों को यह पता चला कि खुशी की माँ सौतेली है, बस फिर क्या था, इस बात को मुद्दा बनाकर कुछ लोग विद्यालय प्रशासन के पक्ष में खड़े होकर खुशी की सौतेली माँ को ही मौत का जिम्मेदार बताने लगे। लेकिन इस बात की सच्चाई को जानने के लिए न्यूज़ बीके की टीम खुशी के घर पहुंची, जहां खुशी के परिवार से हमने मुलाकात की। खुशी के पिता ने बताया कि खुशी को घर में कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनकी पहली माँ के बाद उनकी दूसरी शादी हुई तब खुशी बहुत छोटी थी और आज तक खुशी की माँ ने उनके बच्चों को बहुत प्यार से पाला है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि स्कूल की शिक्षिका उसे लगातार परेशान करती थी। इसके अलावा उसे आई कार्ड खो जाने और विद्यालय प्रबंधन द्वारा दोबारा ना बनाए जाने से वह लगातार परेशान थी। हर बार सभी को एक बार बताया कि आईडी की वजह से वो अपने दिमाग पे ले चुकी थी कि पेपर देने नहीं मिल रहा। हमने 14 तारीख में 1:34 पर सिस्टम पर फ़ोन लगाया था और बोला कि मैम उसकी वो आईडी गुम गई, वो आईडी बनवा दें दूसरी। तो उन्होंने कहा जी हमारे अंडर का मामला नहीं है, कोई नेहा मैम देखती हैं इसको। तो उन्होंने उनसे हमारी बात कराई, तो हमने नेहा मैम से ही बराबर बात बोला, नेहा मैम उसकी वो आईडी गुम गई, वो दिमाग में ले चुकी है, ऐसा नहीं कहीं वो पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाए, पढ़ाई ना करे, फेल हो जाए, इस टाइप से हमने खूब कहा उनसे। उन्होंने कहा वो तो बन जाएगी, आप आओगे, जिस दिन आप आओगे एडमिट कार्ड लेने बना देंगे। फिर हम एडमिट कार्ड लेने भी गए तो भी नहीं बनाई, उन लोगों ने फिर टाल दिया, अब क्या करें। और उसने दिमाग में ले लिया सर। अब लगातार चल रहा है कि वो उनकी मम्मी सौतेली थी, क्या है समझ में नहीं आ रही। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन का एक और अमानवीय कृत्य सामने आ गया। खुशी के पिता ने बताया कि खुशी की मौत के ठीक पहले ही वह स्कूल की फीस भरकर आए थे, साथ ही एक चेक भी उनके द्वारा विद्यालय प्रबंधन को दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से व्यावसायिक हो चुके विद्यालय प्रबंधन ने खुशी की मौत के बाद भी उस चेक को बैंक में लगा दिया, जो पर्याप्त पैसा अकाउंट में ना होने की वजह से बाउंस हो गया। कैश जमा कर देंगे, फिर भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। 19,000 रुपये कैश थे तो 19,000 कैश दिए हमने और एक चेक दिया उनको 5,800 रुपये का जी। वो हमारी लड़की का उन्होंने एडमिट कार्ड वगैरह दे दिया, लेकिन वो एक्सपायर भी हो गई, फिर भी उन लोगों ने चेक लगा दिया बैंक में। वो हमारे खाते में पैसे था ही नहीं, क्योंकि हम तो टेंशन में थे, हम मंडे में पैसे जमा करते, मंडे में उन्होंने चेक अगर वो लड़की सही होती तो मुझे जमा करते, अब टेंशन में थे तो जमा नहीं किया। खत्म हो गई, फिर भी चेक लगा दिया उन्होंने, फिर भी चेक लगा दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, वो तो पैसे के लिए कमा कर ही रहे हैं। हो सकता है कि खुशी के पिता कुछ बातें छुपा गए हों, लेकिन जब हमने खुशी की बहन मुस्कान से बात की तो उसने जो कुछ बताया वह रुला देने वाला था। मुस्कान ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी माँ ने कभी उसे एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ सौतेली है। मुस्कान अपने रिश्तों के बारे में बताते हुए रो पड़ी। उसने बताया कि जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वह अपने पापा को कभी फ़ोन नहीं करती थी, उसकी सारी ज़रूरतें उसकी माँ पूरी करती थी। सौतेले होने के बाद भी उनकी माँ सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन जब कल इस खबर को उन्होंने पढ़ा तब से उनकी माँ सदमे में है कि
कि उन्हें ही उनकी बच्ची की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। सौतेली माँ की अगर बात है तो हम और खुशी हम दोनों ही की स्टेप मदर हैं वो, लेकिन हम लोगों का भी ऐसा फील ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि खुशी को तो मालूम भी नहीं था कि उसकी स्टेप मदर हैं, और मुझे भी अभी कुछ ही टाइम पहले मालूम पड़ा था। और जैसे कि ये सौतेली माँ की जो बात आ रही है तो उसमें मैं बाहर पढ़ती हूँ, मुझे पैसे चाहिए होते हैं, मैं कभी पापा से नहीं मांगती पैसे, मैं हमेशा मम्मी से बोलती हूँ मम्मी इतने पैसे डलवा दो अकाउंट में, वो मेरे लिए यहाँ से कपड़े ऑर्डर करती हैं, सागर में मेरे लिए कपड़े आ जाते हैं, और यहाँ तक कि जब जैसे मैं वहाँ पे खुद खाना बनाती हूँ अपने रूम पे, तो यहाँ से वो मेरे लिए ढोकले इडली ऐसा कुछ ना कुछ बना के हमेशा बस पे रखती रहती हैं सामान। तो ये जो भी बात कही है उनने कि सौतेली माँ है, तो इससे मेरी मम्मी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, वो उस दिन से सदमे में है, तो उसके ऊपर भी मैं तो केस करूँगी कि मेरी मम्मी को वो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मुस्कान ने बताया कि परिवार में सब कुछ ठीक था, लेकिन खुशी स्कूल की शिक्षिका से परेशान थी, जो लगातार उसे यह कहकर भी प्रताड़ित करती थी कि वह कभी पास नहीं हो पाएगी। यह सारी बातें खुशी ने अपनी बहन मुस्कान को फ़ोन पर बताई थी। मुस्कान ने एक समारोह के कुछ वीडियो भी दिखाए जिसे वह अक्सर देखती थी। उस वीडियो में खुशी और मुस्कान दोनों एक मंच पर डांस करते हुए दिख रही थी। मुस्कान का कहना था कि हमारे परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, उसकी बहन ने स्कूल में प्रताड़ना की वजह से ही आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। कुछ नहीं हुआ था, मैं बाहर रहती हूँ सागर में, तो जब भी बात होती थी, मतलब जिस दिन उसने सुसाइड किया 22 तारीख को, उसके एक दिन पहले रात में वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो वो बोलती है कि दीदी मेरा आई कार्ड गुम गया है। तो हमने उसको समझाया कि बेटा आई कार्ड कोई बात नहीं, पापा बनवा देंगे, पापा जाएंगे तुम्हारे साथ पेपर देने, तो उसको समझा दिया, लेकिन वो कहने लगी हाँ ऐसा बोल के वो चली गई। फिर हमने मम्मी से पूछा तो मम्मी कहने लगी कि ठीक है पेपर वो पापा चले जाएंगे तो हो जाएगा, हम उसको समझा दे रहे एक बार, मम्मी ने फिर समझा दिया, हमने तो इतनी बात की। वो जब भी हम घर आते तो ये बोलती थी कि उज्मा मैम उससे चिढ़ती हैं, जो भी हैं उज्मा मैम जहाँ तक उसकी क्लास टीचर हैं, तो वो बोलती थी कि वो हमसे चिढ़ती हैं, वो हमसे जैन जैन करके बोलती हैं, वो कभी हमसे खुशी नहीं बोलती हैं, वो बोलती हैं जैन ऐसा कर तू जैन वैसा कर तू। एक दो बार उससे बोला है कि तुम काहे को पेपर दे रही हो, तुम्हें फ़ेल हो जाना है, और पापा से भी बोला था पापा के सामने कि तुम काहे को पेपर दे रही हो, तुम्हें तो फ़ेल हो जाना है। मामले में कितनी सच्चाई है फिलहाल यह जाँच का विषय तो है ही, लेकिन खुशी का परिवार न्याय के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कह रहा है। फिलहाल पुलिस ने घटना के दिन ही आरोपी विद्यालय संचालकों पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यह देखने वाली बात होगी कि खुशी को न्याय कब तक मिलेगा। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ मनीष अली की खास रिपोर्ट। विद मोरल वैल्यूज द ओनली इंस्टीट्यूशन विद ऑल लेटेस्ट फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, एक्सपीरियंस टीचर्स, एयर कंडीशन हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.